जिस काम में इज्जत ना हो वो काम करना नहीं चाहिए। वैसे कभी कभी ना मुझे रोना आता है, और रोना इसलिए आता है यार कि और कुछ टाइम बाद शायद ब्लॉग ना बनाऊं ट्रक लाइफ स्टाइल का, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं और मैं इसके लिए ट्रक चला रहा हूं। एक कपड़ा लेंगे, उसको भिगोएंगे और वो भाई पूरी क्लीन कर देंगे कार, भाई स्क्रेच कर देते हैं पैसे लेने के लिए। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं रंजनगांव टाटा प्लांट से। तो भाई कल आए थे, आपको दिखाया ही था, तो गाड़ियां हमारी दो खड़ी हैं, जो कि ये उस्ताद एक कार के लिए खड़े हैं और मैं तो भाई छह कार के लिए खड़ा हूँ। आ जाओ चलते हैं फिलहाल अभी चाय पीने के लिए, तो चला जाए। तो चलते हैं भाई ऊपर, यहाँ से लगभग 300-400 मीटर पड़ जाएगा ऊपर, वहाँ पर भाई चाय पीने को मिलेगा। अभी तो हम यहाँ लोडिंग पॉइंट पर खड़े हैं प्लांट में, तो कारें भाई आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि कारें खड़ी होती हैं उधर, और इधर बस अपने ट्रेलर खड़े होते हैं जो कि यहाँ पे लोड होते हैं। कुछ ट्रेलर यहाँ पे खड़े हैं और कुछ नई वाली गाड़ियाँ जो कि कर्व निकली हैं कुछ यहाँ पे खड़ी हैं। अभी ये सब आज लगभग 9 बजे करीब भाई पार ही जाएगा, क्योंकि देखता हूँ ज़्यादा करके 9 बजे का टाइम होता है पर आते आते ना लोगों को टाइम लग जाते हैं, यानी 11 बज जाते हैं, तो 11 बजे के बाद ही कहीं आसपास भाई लोडिंग होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो सारी कर्व खड़ी हैं, कर्व, नेक्सॉन, पंच, यही सब है भाई यहाँ पे। सुबह के 10 बज रहे हैं और यार अभी अपना लोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, आपसे बताया था ना कहीं 11 बज जाएगा 11:30। ठीक, और कल संडे भी था, इसके लिए ना मैं आया था कहीं थोड़ा पहाड़ी इलाका में, देख ही सकते हो भाई यहाँ पे थोड़ा अच्छी जगह है, तो सोचा आपको ना यहाँ का एक बार जगह से भाई परिचय दूँ और दिखाऊँ अच्छे से एक बार। भाई ये जगह देखो, शायद मेरी आवाज़ तो आपको कम जाएगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पे, अभी देख ही सकते हो। और नीचे देखो शहर है, देखो जितने भी दिख रहा है ना वाइट, ये भाई बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, यही सब है, और देखो टावर। तो भाई यहाँ का थोड़ा सा सीन देखो और बताओ भाई कि कैसा लग रहा है, और यहाँ पे शायद रोड का काम चल रहा है या और कुछ, यहाँ के रहने वाले ही बताएंगे क्योंकि वहाँ पे मैं गया नहीं, पर वहाँ पे भाई पोकलैन वगैरह रखी हुई है और मेरे हिसाब से रोड का ही काम चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा, और ये ना इंडस्ट्रियल एरिया है MIDC, तो यहाँ पे भाई हो रहा है कंपनियों का काम, तो कितनी कंपनियां अभी बन रही हैं और कितनी बन चुकी हैं। फिलहाल मैं आया था घूमने इधर, तो सोचा कि एक बार आपको भाई दिखाऊं अच्छे से कि नज़ारे कैसे हैं। यहां पे आ चुकी है भाई हमारी एक कार, अभी फालका को डाउन करते हैं, उसके बाद ये एक कार लोड करते हैं और सारी कार धीरे धीरे आ जाएंगी और सारी कार लोड करेंगे। वैसे आपको बता दूँ यहाँ से हमारी 5 कार हैं, यानी टोटल 7 कार, 2 कार वहाँ से लाया था और 5 कार इधर से। आ जाओ फालका डाउनलोड करते पहले। तो ये हमारी हो गई मेन चीज़ केबल, ये नहीं रहेगा ना तो अपना फालका डाउन नहीं होगा, तो इसको भाई आपको बताता हूँ मेन चीज़ यहाँ पे लगाओ पहले ये, क्योंकि अर्थ है और जो सबसे मेन भाई है वो ये चीज़ है। यहाँ पे कभी भी यहाँ से तुरंत निकाल दो, नहीं तो भाई ये शॉर्ट कर सकता है क्योंकि इसमें भाई पावर होता है बैटरी का। ठीक, आ जाओ अब भाई फालका को डाउन किया जाए। फालका खोल के और बेल्ट भाई सही जगह पर रख के गाड़ी ओके कर दी, बस अब कारें आ जाए ना उसके बाद चेक करके चढ़ाएं। वैसे ये वाली कार मैंने चेक कर ली, आप लोग बोलते हो अच्छे से चेक किया करो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर से जितना दिखता है उतना देख लेते हैं। ठीक, और डीलर पॉइंट पे जाने के बाद एक कपड़ा लेंगे, उसको भिगोएंगे और वो भाई पूरी क्लीन कर देंगे कार को, पूरा साफ करेंगे अच्छे से, उसके बाद वो डैमेज वगैरह सब चेक करते हैं। ठीक, अगर नहीं रहेगा तो कहीं कहीं पॉइंट पे ऐसा होता है जहाँ भाई स्क्रेच कर देते हैं पैसे लेने के लिए। ठीक, अभी मैं इसी कार पे आपको दिखाता हूँ एक, अभी ये देखो ये हल्का सा है ना, ये जो दिख रहा है ना इसके लिए ये इशू बनाएंगे जो कि हाथ से नहीं जा रहा है, और एक इधर भी है जैसे ये थोड़ा सा स्क्रेच टाइप है। ठीक, ये पानी से कुछ भी से नहीं जाएगा। ठीक, पर इसके लिए ये भाई थोड़ा सा वहाँ पे इशू बनाएंगे, ऐसा करते हैं अगर कहीं पे अच्छे पॉइंट मिल गए
जहाँ पे थोड़ा सा इशू नहीं बनाएंगे वहाँ पे तो भाई काम हो जाता है, यानी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं उसको चल जाएगा। नहीं तो जिनको पैसा लेना रहता है ना वो भाई थोड़ा सा बस पॉइंट खोजते हैं बस ड्राइवर से पैसा ऐंठने का, तो वो काम कर देते हैं। ठीक, अभी एक कार आई है और आपको बताया था ना लोडिंग करने का सबसे सही अंदाज़ा होना चाहिए, अगर सही अंदाज़ा नहीं है तो गाड़ी भाई आपको दिक्कत कर सकती है। तो मेरे साथ हो गया दिक्कत, जो कि इस गाड़ी को जो आपको दिख रही है पीछे दो गाड़ी, एक हैरियर है एक अल्ट्रोज है, वो सारी गाड़ियाँ नीचे उतारनी पड़ेंगी और उसके बाद भाई चढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ फिलहाल उतारते हैं, जो कि आपको कल बताया था भाई चढ़ाने में और उतारने में सबसे एक सी होता है रिक्सी, ये होता है अगर थोड़ा सा भाई दाएं बाएं गई कार स्क्रैच डैमेज हो जाएगी। आप जगह देख सकते हो कितनी जगह है और इन्हीं जगह में भाई अपनी कार अंदर जाती है और बाहर आती है। तो भाई अभी 12:30 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, जो कि होटल पे, क्योंकि यार अभी गाड़ी आई नहीं, यही जो आई है एक ये है एक उधर है एक वाइट वाली लोडी है। तो आ जाओ चला जाए खाना खाने, क्या हुआ ऑटोमेटिक में दिक्कत होती है ना, हम लोग भाई मैनुअल वाले हैं गियर वाले, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक में दिक्कतें आ जाती है। तो इन उस्ताद की ना गाड़ी लोड हो गई, अब ये निकल रहे हैं आगे, चलो फिर निकलो। ठीक, आगे मिलेंगे, हाँ आगे मिलेंगे। ठीक, आगे मिलेंगे भाई इनसे, क्योंकि इनको डीजल डलाना है तो डीजल डलाएंगे फिलहाल, और तब तक हम अपनी गाड़ी लोड करेंगे। वैसे हमारी चार गाड़ी नीचे एक गाड़ी ऊपर। निकल गए भाई, आ जाओ एक गाड़ी तो लोड ही भाई 7 मोटर की, और यहाँ से तीन लड़की कार है यार, ये चार तीन इधर खड़ी है और एक इधर, आ जाओ हवा अकेला पड़ गया, आराम आराम से लोड करते हैं क्या करें। चार कार तो भाई लोड हो गई अपनी ऊपर ऊपर, अभी तीन कार लोड करनी है। तो फिलहाल बेल्ट वगैरह सारा चीज़ मार दिया हूँ, बस अभी इसको ऊपर करना है, अभी इसको ऊपर कर देंगे। और एक कार हैरियर खड़ी है और एक भाई क्रस ईवी करके है, ये है नई मॉडल, तो इसको लोड कर लेंगे नीचे नीचे। ये हैरियर है इसको भी लोड करेंगे नीचे, एक और कोई सी कार है उसको भी लोड करेंगे नीचे, तीन नीचे लोड करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। और भाई ये लगा रहता है स्क्रैच के लिए, ये चीज़ कहीं कहीं पे ये चीज़ उकासने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत स्क्रैच आ जाता है ना, वो भी भाई फिर आपको बताता ही रहता हूँ कि भाई डीलर पॉइंट पे ना बस थोड़ा सा बस भाई कमी चाहिए यानी ड्राइवर से पैसा ऐंठने के लिए। ठीक, वैसे आप कितने लोग मेरे बात पर विश्वास नहीं करते होंगे, जितने पुराने ड्राइवर हैं ना ये कार कैरियर में, उनसे एक एक करके आपसे भाई बात कराऊँगा और उन्हीं के मुँह से उनकी सच्चाई सुनवाऊँगा, तो आपको अच्छे से विश्वास भी हो जाएगा। एक भाई पूछ रहे थे कि भाई कौन से ट्रक में ज़्यादा सैलरी बनता है, कौन से ट्रक चलाना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं आपसे ना हाथ जोड़ के भाई विनती करता हूं कि आप ट्रक लाइन में मत आओ, कोई भी छोटा मोटा काम कर लो। ठीक, और मैं आप सुखी हो अच्छे हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप अगर कोई भी ट्रक चला रहे हो पहले बात ना, ये देख रहे हो इतनी सी इज्जत नहीं रहेगी आपकी, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, मगजमारी बहुत, 24 घंटे काम, 24 घंटे काम में आपको 25-20 हज़ार 30 हज़ार सैलरी बहुत जाएगी, 35 हज़ार सैलरी जाएगी। ठीक, और मगजमारी बहुत रहती है भाई। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ यार, जिस काम में इज्जत ना हो वो काम करना नहीं चाहिए। ठीक, और मैं अपनी बता दूँ कि मैं चलाता हूँ ट्रक क्यों, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं और मैं इसके लिए ट्रक चला रहा हूँ। जहाँ तक मैं आपको जितना फील करता हूँ, जितना महसूस करता हूँ ड्राइविंग लाइन में और क्या इज्जत है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई गाड़ी लाइन में मत आओ। कुछ टाइम बाद ना आपको शायद मेरा ट्रक ब्लॉग देखने को ना मिले, क्योंकि यार जब तक मजबूरी है तब तक मैं चला रहा हूँ, यानी आ गया और चला रहा हूँ यार, तो जैसे भी करके ना चला रहा हूँ। और कुछ टाइम बाद शायद ब्लॉग ना बनाऊँ ट्रक लाइफ स्टाइल का, क्योंकि यार इतनी मगजमारी है ट्रक लाइन में ना यार। वैसे मैं जानता था ट्रक लाइन में मगजमारी है, कितने लोग बताए हुए थे भाई मत आ गाड़ी लाइन में मत आए, पर मैं जानबूझ के गाड़ी लाइन में आया क्योंकि उस टाइम ट्रक लाइन में पैसे थे। ठीक, अब यार जैसे जैसे दिन ढल रहा है ना वैसे वैसे भाई ट्रक लाइन में ना पैसे हैं ना इज्जत है। इज्जत तो यार तनिस भी नहीं होती, मान चलो पैसे थोड़े बहुत हैं पर इज्जत थोड़ी सी भी नहीं होती यार। वैसे ट्रक लाइन में जब से मैं हूँ यार,
तब से बहुत मगज मारी है, बहुत यार माथा ना पूरा ख़राब हो जाता है। कभी कभी ये हाल होता है यार कि ये ट्रक ड्राइवर कैसे चलते हैं, ठीक, यानी मैं आपको क्या बताऊँ यार ट्रक ड्राइवर के बारे में, यानी कैसे जीते हैं, कैसे ट्रक चलाते हैं यार, फिर भी उनकी ना इतनी सी भाई इज्जत नहीं होती। मुझे कभी कभी रोना आता है, और रोना इसलिए आता है यार कि अभी सोचो ड्राइवर इतना रिक्स थे, इतना यार मेहनत करके यार रात दिन एक करके यार आम पब्लिक की पेट भरती है, ठीक, फिर भी यार ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं है। और इंडिया की सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा ना यार, जो इंडिया का नियम कानून है, जो नियम कानून बनाते हैं वो खुद नहीं फॉलो करते तो आम आदमी कहाँ से फॉलो करेगा। तो ये सब बातें हैं यार, तो थोड़ा थोड़ा करके भाई आपको रोज़ मैं बताता रहूँगा ड्राइवर लाइफ स्टाइल के बारे में, कि ड्राइवर भाई क्या करते हैं, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, जो मेरे साथ भाई गुजरती है बीतती है, जो झेलता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो कि रियल है। कितने लोग फेक दिखाते हैं ये है वो है, पर जो रियल है ना ड्राइवर लाइफ में वो नहीं दिखाते, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई दिल से लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई प्यार से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको ना मेरे चैनल पे मिलती रहती है। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहो। हम ये नीचे खड़ी रही भाई अपनी गाड़ी, जो कि दो गाड़ी इधर नीचे दिख रही है, उसको भी लोड करना है, पर एक गाड़ी और आ जाए ना उसके बाद। और ये ऊपर की भाई पार्किंग है, यहाँ पे भी गाड़ियाँ लोड होती हैं। आ जाओ, वहाँ से सनसाइड हो रहा है सामने से भाई, देख ही सकते हो, जो कि व्यू खतरनाक से आ रहे हैं। अभी चल रहे हैं ना चाय पीने के लिए, क्योंकि यार शाम के 6:30 बज चुके हैं, और चलते हैं चाय साय कुछ पी के खा के आते हैं। फिर अगर आज भी लोड नहीं होगा भाई तो कल लोड होगा, तो इसके लिए ना कुछ खा पी के मस्त हो जाते हैं, फिर शाम को चलेंगे खाना खाएंगे। अभी इधर लोडिंग पॉइंट है, तो इधर गाड़ियाँ लोड है भाई, फल के खुल खुल के सारे के रखे हैं। तो गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं, और एक कार भाई फंसी थी, एक कार फंसी रह गई, तो मेरे हिसाब से अब कल लोड होगा। तो फिलहाल खाना ना खा के आ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि यार जब गाड़ी रुकी रहती है कहीं पे अस्थाई जगह में ना, तो खाना भाई टाइम पे मिल जाता है, और बस यही दिक्कत है यहाँ पे नहाना टाइम से नहीं है। यानी पुणे का नहाया हूँ, आज दूसरा दिन है, और खाना ना खा के मस्त भाई आराम से अब सोएंगे, आराम करेंगे। और आप बताओ भाई कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।